दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और उसी रहस्यों में से एक रहस्य है हमारा ब्रह्मांड, दी यूनिवर्स। क्या इस ब्रह्मांड में केवल धरती पर ही जीवन संभव है या फिर धरती के जैसे और भी ग्रह हैं जिस पर जीवन की संभावना हो सकती है? ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरीके से बता पाना या इसे समझा पाना अभी तक तो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड जितना बड़ा है उतने ही बड़े रहस्यों से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड के अंदर सूरज, चांद, तारे, ग्रह, आकाश, बादल, जीव जंतु और न जाने क्या क्या है। इतने विशाल ब्रह्मांड में कहीं पर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है। कहीं पर तापमान बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत ठंड भी है। देखिए, ब्रह्मांड दो प्रकार के होते हैं, पहला दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड है जिसे हम लोग देख सकते हैं और जिसकी उत्पत्ति बिग बैंग के रॉ मटेरियल से हुई है, जैसे कि ग्रह, तारे, गैलेक्सी, मिल्की वे, लाइट, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि। उसे हम लोग दृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। अदृश्य ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर की जगह होती है और वह हमें कभी दिखाई नहीं देती। उसे हम लोग अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर है तो वह इतने प्रकाश वर्ष से ज़्यादा दूरी पर है, इतने दूर की वहाँ तक रोशनी भी नहीं पहुँच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग है, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे में मिल जाएंगे। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि जैसे हमारी पृथ्वी परमाणुओं से बनी है, ब्रह्मांड में और भी पृथ्वी होंगी करोड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन वह हमारी आँखों को नहीं दिखाई देंगी। अगर ऐसा है तो जो काम हम इस समय अपने ब्रह्मांड में कर रहे होंगे वही काम हम उस समय दूसरे ब्रह्मांड में भी कर रहे होंगे। और यहीं से लॉजिक उठता है पैरेलल यूनिवर्स का, यानी कि समांतर ब्रह्मांड। खैर, यह टॉपिक दूसरा हो जाएगा, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, यहाँ की हर चीज़ मोशन में है और समय के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे कि चंद्रमा हमारी धरती का चक्कर लगा रहा है और धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, और सूरज भी हमारे सारे ब्रह्मांड के साथ मंदाकिनी यानी कि दी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और मिल्की वे गैलेक्सी भी अंतरिक्ष में गति कर रही है। हमारी गैलेक्सी की ही तरह ब्रह्मांड में न जाने कितने लाखों करोड़ों गैलेक्सीज होंगी, और हमारे गैलेक्सी की सबसे पास वाली गैलेक्सी देवयानी है। क्या आपको पता है कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो 2 से 3 इंच लंबे हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई आदमी अंतरिक्ष में जाता है तो उसे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ के हड्डियों के जो जोड़ हैं वो ढीले हो जाते हैं और इसी वजह से उनकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा खालीपन है, और यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाखों प्रकाश वर्ष तक कुछ भी नहीं है। और ब्लैक होल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इसे ब्रह्मांड का दैत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि ये अपने पास से गुजरने वाली किसी भी चीज़ को अपने अंदर समा सकता है। यह प्रकाश को भी अपने अंदर समा सकता है, और एक ब्लैक होल पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी निगल सकता है। दृश्य ब्रह्मांड जो कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है, साइंस के थ्योरी के अकॉर्डिंग अंतरिक्ष में इतनी बड़ी संरचना का होना एक रहस्य की ही बात है। तो यह थी फ्रेंड्स कुछ जानकारी ब्रह्मांड के ऊपर। आपको यह जानकारी कैसी लगी और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।